हर अदा करने वाले से ज्यादा अदा करने वाले, तूने जो हदिया मुझे अदा किया था वो अब कहां है? अजीम हस्तियां हदिया अदा करके वापस नहीं लिया करती, तू मेरे यूसुफ को लौटा दे, मेरे यूसुफ को मुझे लौटा दे। तुम जहां भी हो खुदा तुम्हारी हिफाजत करे, मुझे यकीन है कि तुम जिंदा हो। एक बार फिर अपने बेटों से पूछ लो कि यूसुफ के साथ उन्होंने क्या किया, शायद अब की बार अपनी गलती का इकरार कर लें और हकीकत बता दें। आपको इतना इत्मीनान कैसे है कि यूसुफ जिंदा है? दो वजह से, एक तो कुर्ता जो कि साबित सालिम है और भेड़िए ने उसे नहीं पाड़ा, दूसरा ये मेरा कल्बे सलीम जो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। ठीक है, अगरचे कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी पूछ लूंगी। मैं चाहता हूं कि वो अपने गुनाह का इतराफ कर ले, तौबा कर ले, शायद खुदा उनके गुनाह बख्श दे। हमने अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन यकीन है कि भेड़िया ने ही यूसुफ को खाया है। कितनी बार बताऊं? अगर हजार बार भी बताओगे तब भी झूठ ही होगा। दिल तो चाहता है कि अभी तुम बच्चे होते और मैं तुम्हें ताजिया ने मार मार के तुम्हारी खाल उधेड़ देती। अगर भेड़िए ने यूसुफ को खाया है तो उसका कुर्ता क्यों नहीं फटा? हमें भी नहीं पता, हमारी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। मैं तुम पर लानत भेजती हूँ, तुम लोग झूठ बोल रहे हो। यूसुफ को किसी भेड़िए ने नहीं खाया, बल्कि उसे भेड़िया सिफतों ने मारा है। भेड़िया सिफतों ने। जानता हूं, फिर यही कहा होगा कि यूसुफ का भेड़िया खा गया। उम्मीद करता हूं कि इससे पहले कि देर हो जाए उन्हें अकल आ जाए। एक सौ सौ सिक्के, एक सौ चौदह सिक्के, एक सौ बीस सिक्के, ये गुलाम माफ का हुआ। एक सौ बीस सिक्के में सौदा हो गया। ये गुलाम मुझे मिल गया। गुलाम की बोली लगाइए। खेती बाड़ी भी जानते हैं। गुलाम की कीमत क्या है? खेती बाड़ी भी जानते हैं और मेरे को जमा कर भी है। गुलाम की कीमत क्या होगी? कन्हैया भी कितनी अच्छी होती है, खाना कम खाती है और काम ज्यादा करती है। एक सौ बीस सिक्के। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। एक सौ पच्चीस। अरे वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। वाकई लगता है ताकत में सहवार नहीं है।
गुलाम आज तक नहीं देखा। कहा कि मुझे नहीं पता। इसे मत बेचो। क्या ये कितने में बिकेगा? वो देखो कितना ताकतवर गुलाम है। मैं भी उसे बेचने पर दिल से राजी नहीं हूँ। तुमने देखा नहीं वो खुद अपने बिकने पर कितना माइल है। इस गुलाम की कीमत क्या होगी? मैं बर्दा फरोशी तो नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि गुलाम खूबसूरत, होशियार और पढ़ा लिखा है। दीगर मजीद खूबियाँ भी हैं इसमें जो इसकी कीमत बढ़ाती हैं। ये गुलाम मैं इसे कम कीमत में नहीं बेचूंगा। ये माबित के लिए बेहतरीन खिदमतगार साबित हो सकता है और मुस्तकबिल में बतौर काहिन लोगों को माबित की तरफ माइल कर सकता है। कोशिश करो इसे हम खरीद लें। 50 सिक्कों से बोली शुरू कर दूं। 50 सिक्के कबूल है। इसकी कीमत इससे कहीं बढ़कर है आली जनाब। 50 सिक्के? नहीं, ये तो बहुत कम है। जाएगी वो खुश हो जाएगा। इससे ज्यादा कीमत कौन लगा रहा है? ये देखिए, ये देखो जनाबे पोते घर आ गए। खेती बाड़ी भी जानते हैं और शिकार करना भी। इतना खूबसूरत हो सकता है? हमने ऐसा गुलाम कभी नहीं देखा। कितने में बिकेगा? मैंने इससे खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। ये बच्चा बहुत खूबसूरत है। रंजीदा मत हो यूसुफ, आज ये तुम्हारे खरीदार हैं, एक रोज तुम उन सबको खरीद लोगे। ये लोग मुझसे क्या चाहते हैं? यहाँ क्यों जमा है? खूबसूरती सबके वजूद में होती है लेकिन आया नहीं होती। तुम में इंसानी वजूद का ये गौहर मुतजल्ली हुआ है। ये सब लोग खुद अपने अपने अंदर मौजूद यूसुफ की असलियत और हकीकत को देखने के लिए यहाँ जमा हुए। ये लोग मेरी खूबसूरती और हुस्न के खरीदार तो हैं, लेकिन अपने अपने अंदर मौजूद खूबसूरती की हकीकत की तरफ क्यों मुतवज्जा नहीं होते? अपने अंदर मौजूद खूबसूरती को देखने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, लेकिन वो हकीकत जो तुम्हारे वजूद में मुतजल्ली हुई है वो जाहिरी आंखों से भी काबिले मुशाहिदा है। बसीरत हर एक के पास नहीं होती यूसुफ, लेकिन बसारत सभी रखते हैं। इस तरह से तो मैं खुद भी इन्हीं की तरह हुआ। अगर ये अपने अंदर की खूबसूरती की हकीकत जानते होते तो ये सब मेरे खरीदने के मुश्ताक ना होते। ये यूसुफ के मुश्ताक नहीं,
بلکہ در حقیقت خلیفہ خدا کے دیدار کے مشتاق تھا۔ آدم کی زیارت کے لیے فرشتوں کے اشتیاق کے بارے میں سنا ہے یوسف؟ 250 سکے، 250 سکے۔ نہیں جناب، یہ قیمت 300 سکے، 300 سکے۔ ہاں آگے بڑھیے، آگے بڑھیے۔ 300 سکے میں فروخت ہوا جاتا ہے، 300 سکے۔ نہیں بھائی، میں تو نہیں بھائی، میں تو اتنا ہی دوں گا۔ اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے پاس یہ بہت قوی ہے، اتنا کہ اکیلا 100 پر بھاری ہے۔ عالی جناب، آپ کے انتخاب کا جواب نہیں۔ 600 سکے۔ ہے کوئی قدردان؟ اس سے بڑھ کر قیمت اور بھی بڑھا رہا ہے۔ علی جناب، یہ بڑے ہی کام کے غلام ہیں۔ یہ بھی لے چلو۔ یہ تو بہت کم ہے حضور۔ اس سے بڑھ کر قیمت اور کون لگا رہا ہے؟ حرکت کرو۔1010 سکے، 1040 سکے۔ اب یہ بھی مقابلے پر اتر آیا ہے، بولو کیا کریں، بولو۔ آج اسے ہرا کر رہیں گے، کوشش کروں گا ہم سے جیتے نہ پائے۔ 1200 سکے، 1200 سکے، 1300 سکے، 1300 سکے۔ ہے کوئی اور خریدار؟ ہرچند کے لگائی گئی قیمت 8 سے 10 غلاموں کی قیمت کے برابر ہے، لیکن خیر کوئی بات، بس کوشش کرو پوتیفار سے مقابلے پیچھے نہ رہ جائے۔ 1500 سکے، 1500 سکے۔ کوئی اور قدردان نہیں؟ 1500 سکے۔ چاند کا مقام ہے، جیسے کسی جنس کے خرید و فروخت ہو رہی ہو۔ اگر اس بچے کی اصلی قدر و قیمت جانتے ہوتے تو سونے چاندی کے پہاڑ بھی اس کے مقابلے میں کم تھے۔ دو ہزار سکے، دو گنا۔ 3000 سکے، 3000 سکے، 3000 سکے۔ عزیز مصر، جناب پوتیفار اور سپہ سالار مصر، 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار 3000 سکوں کی پیشکش کرتے ہیں۔ جناب پوتیفار سے مقابلہ کرنے کی جرات کر بھی کون سکتا ہے؟ مبارک ہو، اس غلام کے اب آپ مالک ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے ایک موظف، باکمال اور پڑھا لکھا غلام خریدا ہے۔ مزید یہ کہ نہایت ہی خوش قدم غلام ہے یہ غلام۔ جناب پوتیفار کا ہوا۔ حرکت کرو۔
लगाइए। जाओ जुलेखा को बुलाओ। ये गौहरी यगाना कहां से लाए हैं आली जनाब? खरीदा है, वो भी भारी कीमत अदा करके। इसके लिए तो जितनी भी कीमत अदा की जाए कम है। जिस अहमद ने भी इस जैसे गौहरे नायाब को फरोख्त किया है उसे कब्र में पहुंचा देना चाहिए। मुर्दों की दुनिया में लोग गुलाम बेचते हैं ताकि जरो जवाहर हाथ आए। इस अहमद बर्दा फरोश ने ऐसे गौहरे नायाब को बेचकर क्या हासिल किया? ये आपका बड़ापन है, मैं गुलाम से ज्यादा कुछ नहीं। कसरे पुतिफार में खुश आमदीद बरखुरदार। आपका शुक्रगुजार हूँ आली जनाब। तशरीफ लाते ही हमारी याद से सताने लगी। क्या बतौर खास तलब करने का सबब जान सकती हूँ? ये तोहफा पसंद आया तुम्हें? मैंने इस बच्चे को पहले कहीं देखा है, आलम में ख्वाब में या फिर? नहीं मालूम, लेकिन आशना सा लगता है। जनाबे पोतीफार, इंतखाब की दाद देनी चाहिए। ये बच्चा वाकई बहुत खूबसूरत है जनाबे पोतीफार, जवाब है। क्या नाम है तुम्हारा? यूसुफ। यूसुफ, ये नाम या तो अरामी है या फिर इब्रानी। मैं इब्रानी हूँ, शाम में वाके शहर कनान का रिहायशी।
इन लोगों का मशगला भेड़ बकरियां चराना है। यूसुफ, हाँ यूसुफ, नहीं मुझे ये सहरा नशीन बद्दू कबाइल के नाम पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो इसके लिए किसी मिस्री नाम का इंतखाब करें। ये बच्चा तुम्हारे लिए मेरी तरफ से तोहफा है, सो जिस नाम से चाहो पुकारो। मैं जनाब पोतीफार की निहायत मशकूर हूँ। अगर इजाजत मरहमत फरमाए तो बंदे की नजर में एक मिस्री नाम है। कहो। एक नाम जो यूसुफ से मिलता जुलता है, युजार शिफ। युजार शिफ बुरा नहीं, युजार शिफ बल्कि बहुत ही अच्छा है। आज से तुम्हें युजार शिफ कहके बुलाएंगे, राजी हो? अगर आपको पसंद है तो मैं भी राजी हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग युजार शिफ का इज्जत और एहतराम बचा लाएं, शायद ये हमारे लिए मुफीद साबित हो और मुमकिन है कि मुस्तकबिल में हम इसे बतौर अपना वली अहद इंतखाब कर लें। क्यों नहीं, युजार शिफ से बेहतर और कौन होगा। तुमने देखा, देखा कितना खूबसूरत है। अपनी तमाम उम्र में इतने खूबसूरत बच्चा नहीं यानी? देखा। यानी वो एक गुलाम है। कैसे इससे तो गुलाम नहीं लगता। ये तुम्हारा कमरा है, पसंद आया? शुक्रगुजार हूँ बानो, बहुत अच्छा है। इसके आराम के लिए तमाम अस्बाब मुहैया करो। परवरदिगारा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे गुलामी से निजात देकर आराम और आसाइश की जिंदगी अदा की। ऐ यूसुफ, इस तरह खुदा ने तुम्हें अजमत और करामत और जाह मर्तबा अता किया, तुम्हें कुएं की गहराइयों से ओझे कमाल पर पहुँचाया और तुम्हें इल्मे ताबीर ख्वाब और अहदीस अता किया कि अब तुम मुअब्बरान से ज्यादा उनके इल्म और जबान से वाकिफ हो और किसी भी उस्ताद की जरूरत से बेनियाज हो। तेरा शुक्रगुजार हूँ ऐ खुदाए मेहरबान, तेरा शुक्रगुजार हूँ। तुम खसारे में रहे मालिक, अगर तुम यूसुफ को उसके वजन के बराबर सीमोजर में भी तोलते तब भी खसारे में थे, बहुत बड़े खसारे में।
तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तूफान में हमारा गुम हो जाना तुम्हें याद है, और जानवरों का उस कुएं के पास रुक जाना, ये सब किस लिए था? तुम्हारे हाथ लगने के लिए या यूसुफ की निजात के लिए? मैं तो कुएं के पानी के मीठे हो जाने को भी यूसुफ के वजूद की बरकत समझता हूँ। वो यूसुफ को मेरा थप्पड़ मारना जिसकी वजह से मेरा हाथ छल हो गया था, भूल गए क्या? यूसुफ की दुआ करने और उसके हाथ फेरने से मुझे शिफा नहीं मिली थी? जनाब मालिक, अगर आपको याद हो तो यूसुफ ने मुझे भी मौत से निजात दिलाई थी। मैं यूसुफ की दुआ से शफा याब हुआ था। हाँ, यूसुफ की दुआ से। यूसुफ के वजूद से जहाँ दीगर फायदे हुए, वहीं मालो जर भी तुम्हारे हाथ आया। यूसुफ कोई मामूली इंसान नहीं था। ये सब तो मौजज़े हैं जो सिर्फ अंबिया इलाही से साजिर होते हैं। मैं क्यों मुतवज्जे नहीं हुआ? असल में ये यूसुफ कौन था? क्यों उसने अपना हसब नसब नहीं बताया? लानत है तुम पर फलीक, जिसने मेरा चैन छीन लिया। अब तक मुझे यही लग रहा था कि मुझे नफा हासिल हुआ है, लेकिन ये तो मैं सरासर खसारे में रहा हूं। अफसोस फली, मैंने गुलाम नहीं बल्कि दरहकीकत एक आजाद मनुष्य फली या शायद नबी खुदा को भेज डाला। ऐसी मोहतबाना और हकीमाना गुफ्तगु और बुजुर्गाना अतफार पर गौर क्यों नहीं किया? बुग़्ज़ो अदावत से पार दिल और आईने की तरह शफाफ रूप क्यों दिखाई न दी मुझे? मैंने आज से अपने साबिका खुदाओं को वासिले जहन्नुम करके उसके खुदा का इंतखाब कर लिया। मैं इस खसारे का अजादा करूंगा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। कहां? इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता ना, सुबह तक इंतजार करो। जनाबे पुतिफार का कसर किस तरफ है? सीधे चले जाओ उस तरफ आखिर में। क्या कर रहे हो? अली जनाब, पूरी फार से काम है। पहले जनाब रुदाम उनसे इजाजत लेनी पड़ेगी, ऊपर आ जाए। जनाब रुदामुन, ये लोग अली जनाब पूरी फार से मिलना चाहते हैं। अजीजे मिस्र, जनाब पोतीफार से आपको क्या काम है? हमने उन्हें एक गुलाम बेचा था। उन्हें बताइए कि मालिक जिससे कल एक गुलाम खरीदा था वो आया है। मैंने पूछा काम क्या है? कुछ सिक्के उनकी तरफ से इजाफी आ गए हैं, वो हम सिर्फ उन्हें ही देंगे। आप लोग यहीं रुके। क्या हुआ रुदामून? एक ताजिर जिसने आपको कल एक गुलाम बेचा था शर्फ बारियाबी चाहता है।
लगता है तुम खुश नहीं हो इब्रानी। मैं यहाँ होने से खुश हूँ, लेकिन गुलाम होने से नहीं। क्या तुम्हारे साथ हमारा सुलूक गुलामों जैसा है? आपका सुलूक आपकी अजमत के शायान शान है, और मेरा ये एहसास गुलामी से इबारत है। आफरीन, नहायत ही मुनासिब और बर्जस्ता जवाब दिया है। मैं इससे काफी पुरुम्मीद हूँ, ये पढ़ना और लिखना भी जानता है आली जनाब। वैसे तो इसकी तमाम खूबियाँ ठीक हैं, बस इसकी जबान को थोड़ा लगाम देना होगी। बानो इत्मीनान रखे, मेरी जबान को फजूल गोई की आदत नहीं, और जनाबे पुतिफार और आपकी इजाजत के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। आफरीन, यही मुनासिब है। तुम्हारा ताल्लुक कहाँ से है? तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है? आपको क्या फर्क पड़ता है बानो? सहरा नशीन पेशावर चरवाहों के पास बताने को रखा ही क्या है? किसी ने आपसे मशवरा मांगा? लेकिन चेहरा युजाशीफ इसके आला हसब व नसब की अक्कासी करता है। क्या हुआ ताजिर, कहीं पशेमान तो नहीं हो गए? जी नहीं नहीं, इससे पहले कि अपने आने का सबब अर्ज करूं, इजाजत चाहता हूं खलवत में चंद लम्हे यूसुफ के साथ आखिरी बार विदा कर लूं। समझता हूं युजासिफ के साथ रहकर एक दिली ताल्लुक पैदा हो जाता है। सात वाले कमरे तक इनकी रहनुमाई करो। देख रही हैं आप, विजार सेर से दस बरदार होना इसके लिए कितना मुश्किल है। ताकि तुम्हारा नाम और निशान मालूम करूं, जब तक बता नहीं देते मैं लौटूंगा नहीं। बताया तो मैं फर्जंद नहीं, यह तो पहले भी सुन चुका हूं। तुम्हें खुदाए यकता की कसम, अपने नाम और निशान बताकर मेरी बेकरारी को दूर करो। फिर आपको खुदावंद के हुजूर एक अहद करना होगा कि जो कुछ मैं बताने जा रहा हूं किसी से नहीं कहेंगे। मैं अहद करता हूं और इब्राहिम के खुदा की कसम खाता हूँ, मैं यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम हूँ। हाय अफसोस, वाय हो मुझ पर, हम चचाजाद हैं, तुम इसहाक के पोते और मैं इस्माइल ज़बीहुल्लाह का पोता हूं। खुदा मुझे कभी ना बख्शे, मैंने ये क्या कर डाला, क्यों तुम्हें फरोख्त किया? मैं जानता था हम चचाजाद हैं, और मुझे अपने बेचे जाने पर किसी से कोई शिकवा नहीं। मुझे तो मिस्र में आना और बिकना ही था। ये तमाम वाकयात इरादा खुदाबंदी और एक अजीम वाकये की तमहीद है। मुझे उन मौजों से ही समझ लेना चाहिए था कि तुम मामूली इंसान नहीं, तुम एक पैगंबर हो। लानत हो मुझ पर कि एक पैगंबर को बतौर गुलाम भेज डाला, मैं इस जिल्लत के साथ कहां जाऊं? ये क्या कर रहे हैं, उठिए। इन वाकयात को रूनमा होना ही था, मुझे तो अपनी रिसालत की अंजामदेही के लिए मिस्र आना ही था, आप तो सिर्फ वसीला बने हैं, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं इस गलती का अजाला करूँगा।
ये लो, ये तुम्हारी सनद गुलामी है जिस पे तुम्हारे मालिकों ने दस्तखत किए थे, इसे छुपा लो। आप यहीं रुकें, मैं नहीं चाहता आप हमारी बहसों गुफ्तगू सुने। मैं आली जनाब बूतिफार अजीज मिस्र से नहायत माजरत चाहता हूं और मजबूर हूं कि आली जनाब से तनसीख मामला करूं। बंदा यूसुफ को नहीं बेच रहा। आफरीन आफरीन, अभी कुछ देर पहले तक मैं तुम्हें अहमक समझ रहा था कि जिसने ये जार शिफ जैसे गौहर लाया आपकी कदर नहीं जानी, लेकिन देख रहा हूं कि ऐसा नहीं है। तुमने भी इस गौहर के जौहर को पहचान लिया, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुमने जरा देर कर दी? ये तो तुम्हें बेचने से पहले सोचना चाहिए था, अब बहुत देर हो चुकी है। आली जनाब, मैं अपनी तमाम दर जमा पूंजी यूसुफ के अवज देने को तैयार हूं। इल्तिजा करता हूं कि यूसुफ मुझे लौटा दें। सुना नहीं जनाब पोतीफार ने क्या फरमाया? यूसुफ सिर्फ किसी भी कीमत पर वापस नहीं लौटाया जाएगा। बंदा भी अर्ज कर चुका है कि वो इस मामले पर राजी नहीं। हम यूसुफ को नहीं बेच रहे और उसके बगैर यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अब अगर तुमने मजीद कोई गुस्तागी की तो तुम दोनों को दाखिले जिंदान कर दूंगा। यहाँ से चले जाओ। यूसुफ को लिए बगैर हम नहीं जाएंगे। आली जनाब, यूसुफ को ले जाने की इजाजत दे दीजिए। रोदनून, सिपाहियों, इन्हें जिंदान में डाल दो। मुझे यूसुफ वापस चाहिए, मैं यूसुफ को लेकर ही जाऊंगा। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस लौटा दे। इन्हें ले जाकर कैद कर दो। वापस दे यूसुफ। यूसुफ हमें लौटा दे। चाहिए यूसुफ वापस लौटा दे। यूसुफ हमें लौटा दे। मुझे वापस दे यूसुफ। यूसुफ अपना ख्याल रखना। मैं यूसुफ को लेकर जाऊंगा। मुझे यूसुफ वापस लौटा दे। आली जनाब, इन्हें माफ कर दें। इन्होंने मेरी खातिर खुद को खतरे में डाला है। उनका हक है कि उनको सख्त सजा मिले। मैं इल्तिजा करता हूं, लेकिन सिर्फ यूसुफ की खातिर माफ किया। कहो उन्हें आजाद कर दें, कैद करने की जरूरत नहीं। यूसुफ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो ये बर्दा फरोश अपनी तमाम जिंदगी तुम पर निछावर करने को तैयार है? क्या बताऊं बानो, मेरे पास अपना तो कुछ नहीं है। यूसुफ जैसे लाचार के पास और हो भी क्या सकता है? इस हिसाब से तो अब यूसुफ पर हमारा कोई एहसान नहीं रहा, क्योंकि हमने उसकी जो भी कीमत अदा की थी वो हमें वापस मिल गई। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मैं आपकी मोहब्बतों को दिरहम और दीनार के पैमाने में नहीं तोलूंगा। मैं इस बेशकीमत हदीये के लिए आपकी शुक्रगुजार हूँ। कारी मामा, यूसुफ सेफ को नहला धुलाकर और लिबासे नौ ज़ेब तन करा के मेरे पास ले आए। अतान मानो मोहतरम। आपने तवज्जो की कि ये दूसरों के बरक्स हमारी तहजीम के लिए बिल्कुल नहीं झुकता। कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगा। मेरा ख्याल है कि उसका अदम तहजीम इरादतन है। वो मुझे वापस लौटा दे। यूसुफ मुझे वापस। यूसुफ, मैं यूसुफ को नहीं भेजना। यूसुफ हमें वापस लौटा दे। यूसुफ वापस चाहिए। चाहिए लेकर नहीं जाऊंगा। वापस कर दो।
वापस लौटा दे। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो यूसुफ की खातिर छूट गए, वरना जिंदान तुम्हारा मुकद्दर था। अब यहाँ अतराफ में दिखाई ना देना। मैं यूसुफ से दस्त बर्दार नहीं होऊंगा, देख लेंगे। अपनी जान बचाओ और जाओ यहाँ से। क्यों अपनी जान के दुश्मन हुए हो? फार और उनकी बानो, मेरी तरह अहमक नहीं कि यूसुफ जैसे गौहर नायाब को इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दें। हम खसारे में रहे फली। तुम खसारे में रहे, मैं नहीं। खुदा के करम से मुझे मुनाफा हुआ है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा। मुनाफा हुआ है, वो कैसे? तुमने यूसुफ को गवा दिया बगैर कुछ मुनाफा हासिल किया, लेकिन मैंने यूसुफ को खोने के बदले में यूसुफ के खुदा को पा लिया। गुज़श्ता शब कारवांसरा में मैंने पत्थर के खुदाओं को छोड़कर यूसुफ से यक्ता परस्ती के अनमोल गौहर को पा लिया। हाँ, खुदा की कसम फली, अगरचे मैंने पैगंबर खुदा को बेचा नहीं, लेकिन मरते दम तक मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। मैं तो अपनी सरजमीन वापस जाकर आज के बाद से यक्ता परस्ती की तरवीज करूंगा। जब तक यूसुफ यहाँ है मैं इस शहर को तर्क नहीं कर सकता। चलो कारवांसरा चलते हैं।